चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की पेशी के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान के कल अदालत में पेश होने की तस्दीक कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई के स्टेक होल्डर का वीडियो लिंक इजलास। जेल भरो तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील। इमरान खान ने कहा कि आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं हमारे, मैं तीन अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता, कोई एजेंसी आईएसआई आईबी पुलिस ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते जब तक ये इंटीरियर मिनिस्टर को कहें और इंटीरियर मिनिस्टर अदालत पे जाए और फिर अदालत का जज उनको इजाजत दे कि हाँ ये मुल्क की जरूरत है और उस इजाजत के बाद फिर फोन टैप कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ऑडियो लीक्स पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि ऑडियो लीक सियासी ब्लैकमेलिंग है। गुलाम महमूद जोकर को हटाने के लिए ऑडियो लीक की गई। कानून के मुताबिक किसी की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ऑडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालती अहकामात पर ही की जा सकती है। सियासी मकासद पूरे करने के लिए ऑडियो टेप सामने लाई जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। मुकर्रा वक्त में इलेक्शन ना कराना आइन के साथ मजाक है। मुईशत तबाह करने वाले अब आइन शिकनी कर रहे हैं। मुईशत के चैंपियन बनने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पीटीआई हर सूरत अदलिया के तकद्दस की हिफाजत करेगी। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से शहबाज गिल की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब हुकूमत की पीटीआई के रजा खराना तौर पर गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों को गिरफ्तार ना करने की हिदायत। पीटीआई के कारकुन और रहनुमा कानून की खिलाफ वर्जी करें तो गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। पंजाब हुकूमत की अमन अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें टैं टैं करें टैं टैं फिश करें वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो बताओ किसकी हुकूमत है। सदर मुमलिकत पीर को इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। सूबे और मरकज में इलेक्शन इकट्ठे होते देख रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कल एतराफ किया है मुल्क डिफॉल्ट हो चुका। मरियम नवाज कहती हैं ये उनकी हुकूमत नहीं। जुरत करें और बताएं ये किसकी हुकूमत है। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जेल मेरा ससुराल मौत मेरी महबूबा और हथकड़ी मेरा जेवर है। एक नया शेख रशीद जिंदा हो गया है तुमको निस्तो नाबूद कर देगा। हुकूमती दावे हवा हो गए। एलपीजी माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में एलपीजी 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो कीमत 266 रुपए मुकरर है। और महंगाई नामंजूर नामंजूर। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से महंगाई मुखाओ रैली। रैली नासिरबाग से गवर्नर हाउस तक निकाली गई। कारकुनों की बड़ी तादाद में रैली में शिरकत। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं कि पेट्रोल बिजली गैस और एलपीजी के नर्ख अचानक बढ़ा दिए गए। महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं।